बैक टू माय YouTube चैनल। मैं हूं सईदा शमसा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। यहाँ पे देखिए जी, आज आप लोगों के साथ बहुत चिकन ब्रेस्ट के हैं ये टिक्के, बोनलेस। बड़ी न्यूज शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे घर है ग्रिल पार्टी, यानी कि बारबेक्यू पार्टी। आज हम करेंगे बारबेक्यू और साथ करेंगे पार्टी। किस लिए करेंगे? इसी न्यूज के लिए करेंगे। तो न्यूज में आपको बता दूं, न्यूज है कि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया है और इस खुशी में हमने सेलिब्रेशन रखी है। आज सईदा इस्मा आ रही है हमारे घर और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी नंद और सईदा इस्मा मेरी नंद। तो और यहाँ पे साथ आ रहे हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, तो वो साथ आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम जो है अच्छी से एक पार्टी कर लेते हैं और है ना, ये बहुत खुशी की खबर। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से जो सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। जो मेरे फैन हैं, जो रियल वाले फैन हैं, जो रियल वाले सपोर्टर हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया और मुझे सपोर्ट करते रहें। और जहां जिनको मेरी सपोर्ट की जरूरत होगी मैं जरूर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत लंबी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ, मैं जब बोलना शुरू करती हूँ चुप नहीं होती मैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो भी कहते हैं मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं फिर ऐसा ही है, मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे पता नहीं बातें आती जाती हैं, मैं बोलती जाती हूँ। तो फिर वो कैसे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, फिर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत बोलती हूँ मैं। जैसे कि मैंने अब ये व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, अब आप बताएं, मैंने आपके लोगों के साथ शेयर नहीं करना ये व्हाइट ड्रेस। व्हाइट कलर जो है ना, ये मेरी कमजोरी है। मैं तो किसी और को व्हाइट कलर पहने देखूं ना, मैं जेलस हो जाती हूँ। मुझे व्हाइट कलर इतना पसंद है, इतना पसंद है। और मैं संभाल संभाल के और धो के और साफ साफ, देखिए कितना साफ सा ये जो है कलर है, मतलब बिल्कुल भी वो होता है ना मैला सा, वैसा नहीं है। मैं बहुत अच्छे तरीके से धोती हूँ और मेरी अम्मी ने जो है ना स्पेशल मुझे ट्रिक्स बताए हुए हैं, मैं उस ट्रिक्स के साथ धोती हूँ। तो ये बहुत प्यारे और खिले खिला सा व्हाइट कलर रहता है और जब ये हम पहनते हैं तो चेहरा भी खिल जाता है, जैसे अभी मेरा खिल रहा है माशाल्लाह। हाँ जी, तो व्हाइट कलर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज क्योंकि ग्रिल करना है, हम किसी वैसे जाएं बाहर तो व्हाइट पहन लें तो अच्छा लगता है, लेकिन आज घर में मैंने काम करना है और बारबेक्यू करना है, ग्रिल करना है, तो मुझे लगता है, वैसे तो बारबेक्यू जो है ना मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, वही सब ज्यादा काम वही करते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर है मुझे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो मुझे इस हिसाब से लग रहा है, मुझे फील आ रही थी कि मैं जो है ना चेंज कर लूं। पार्टी तो होती रहेंगी लेकिन मेरा ड्रेस ना खराब हो जाए। मेरा व्हाइट कलर जो है ना, वो जो सालन का दाग होता है ना, वो जाता नहीं है। ऐसे तो कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो है फिर अम्मी से पूछना पड़ेगा कि मुझे कौन से मैं ट्रिक करूं और ये सालन का दाग जाएगा। तो इसलिए जो है मैं अपने जो है ड्रेस आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और अपनी जो मेरी फेवरेट कलर है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो बस देखिए, बातों से बातें निकलती जाती हैं और मैं बोलती जाती हूँ। बस आप लोग पसंद करें, आई होप आप लोग बोर नहीं होते होंगे मेरी बातों से। चलिए सारे काम छोड़ते हैं, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो मैंने मैरिनेशन करके रखी हुई थी उनको हम बाहर निकालते हैं और जो सीहे हैं उन पर लगाते हैं। और क्योंकि आज तुर्की शेख फैमिली है वो आ रहे हैं, मेरे दो हस्बैंड के दोस्त हैं, कोलीग हैं उनके, तो वो ना बैंगन होता है ना बैंगन, तो वो बैंगन को ना सबसे पहले ग्रिल करते हैं और उसका छिलका उतार के, तो जो उसका अंदर वाला होता है ना, उसका प्लम्प शायद उसको कहते हैं, वो निकाल के फिर मैश करके तो वो खाते हैं। तो फिर जाहिर है तुर्की फैमिली आ रही है, तो मैं थोड़ा सा उन जैसा भी करूंगी बारबेक्यू, तो थोड़ा सा अपना देसी तरीका, पाकिस्तानी तरीका, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो तरीका भी करेंगे। तो रहना है आपने हमारे साथ और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जी अभी यहाँ पे लो जी, मैं आ गई हूँ अपने किचन में अपना ड्रेस चेंज करके। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई है, मेरी जो सिस्टर्स है ना,
अमेरिका वाली और इंग्लैंड वाली मुझे देख रही हैं तो उनको पता होगा वो पता क्या करती है। फिर आप कहेंगे इतना ज़्यादा बोलती है, लेकिन मुझे याद आ गया वो ईद हो या कोई इवेंट हो वो 5 सूट सिलाई करवाती हैं या बाय करती हैं 5 सूट और अच्छे वो डिज़ाइन करती हैं ड्रेसेस वगैरह। तो फिर जब वो इवेंट आता है ना तो वो पांचों के पांचों वो जो है ना प्रेस करके रख देती हैं। फिर वो एक सूट पहनती है, दूसरा पहनती है, तीसरा पहनती है, चौथा पहनती है, पांचवा पहनती है। जब पांचों को पसंद नहीं आते ना फिर कोई पुराना सा उठा के ना फिर वो सूट पहन लेते हैं। ये मसला है मेरी 2 सिस्टर्स का। तो आज मेरे साथ भी वो हुआ है कि मैंने प्रेस बहुत अच्छा वो वाइट ड्रेस किया था तो अभी मैंने ये पहने लेकिन मैंने बहुत अच्छा प्रेस करके पहना है और मुझे बस इस बात से अपनी वो सिस्टर्स याद आ गई हैं कि वो ऐसा करते हैं। और वो अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कुछ ना कुछ कि आप वाकई ऐसा ही करती हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन सा वो ड्रेस पहने। चले छोड़े मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अभी जो है हम आपको बताते हैं कि मैं बैंगन कैसे बनाने लगी हूँ। मैंने ये लिए है बेकिंग शीट ही कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, ये चीज़ मैंने ली है। और मेरे पास यहाँ पे हैं बैंगन और मैंने इनको धो के अच्छे से ड्राई कर लिया था। यहाँ पे देखेंगे ये मैं से ड्राई कर रही थी और अब मैं इस पे ना ऐसे निशान लगाऊंगी। आप छुरी की मदद से लगा लें या फिर आप जो है फोक की मदद से निशान लगा लें, फोक ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे निशान लगा लें गहरे वाले निशान, ये देखें गहरे वाले निशान लगा लें ऐसे। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने सबको निशान लगा लिया है फोक के साथ और अब इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लगा दूंगी सारी तरफ। ये देखिए मैं दूसरी तरफ भी लगाऊंगी उसको, उसकी साइड चेंज करके इस तरफ भी। कैसे लश पश कर रहे हैं ये बैंगन्स। और इन पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट ओवन में रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो तो जिसको लगेंगे 3 घंटे और 3 घंटे में ये सही ग्रिल हो जाएगा, सही बेक्ड हो जाएगा। तो फिर हम इसको छिलका इसका छिलका उतारेंगे और साथ आपको दिखाएंगे। और अभी यहाँ पे बहुत गंद पड़ा हुआ है मैं आपको दिखा नहीं सकती, मैं ये साफ करती हूँ फिर उसके बाद हम सलाद बनाते हैं। कह रही थी आप भी मेरे पड़ोस में आ जाएं, हम साया घर में आ जाएं।
वैसे तो पास ही साथ ही रहती, मतलब गाड़ी पे सिर्फ दो तीन मिनट लगते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक ही जो है ना बिल्डिंग में रहते हैं ना, और यहाँ पे घर भी बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे हैं, खुले खुले है ना। हाँ जी बहुत खुले, और इनका रेंट भी बहुत प्यारे 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 रेंट है। हाँ ये तो है। हाँ जी अभी मुझे शिबाज कह रहे थे कि हम घर चेंज कर लेते, मैंने कहा एक ही दफा जब अपना बाय करोगे ना तो हम जाएंगे, अभी मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। हाँ। बार बार चेंज करना बहुत स्ट्रेस, बहुत काम, बहुत स्ट्रेस है। हाँ सासी की, और एक ये पुदीने की चटनी है, और एक जो है मैंने बनाई है तुर्किश, जो होती है ना वो जो आपने देखी होगी रेड कलर की होती है, रेस्टोरेंट्स में भी मिलती है और वैसे भी वीडियो उसकी यूट्यूब पे काफी वायरल है, वो चटनी वो मैंने बनाई है सॉस, लेकिन वो है जो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं उनकी रेसिपी है, उन्होंने थोड़ी सी चेंज किया, वो ट्रेडिशनल वो रेसिपी नहीं है जो तुर्किश होती है, उन्होंने मुझे बताई है, वो भी तुर्किश है लेकिन थोड़ी सी चेंज करके, बहुत आसान है और बहुत मजे की और बहुत स्पाइसी होती है। अमार जो है अपनी फुप्पो के पास है और खेल रहे हैं, खुश हुए हुए हैं फुप्पो के साथ। प्यार प्यार? हाँ आप कभी कभी मिलते हैं ना, है ना? फिर आप प्यार ज्यादा करते हैं। हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और ना दूध पिया करेंगे ऐसा, क्यों दूध नहीं पीता ये खाना खाया कर, क्योंकि पिया करें बड़े हो जाएं फिर मजे मजे की मामा ना खाने बना के देंगी, बस खाए सही, मेरा बेटा बना के देने वाली है मामा, क्यों नहीं पराठे खाए, पराठे हम दोनों माँ बेटा खाएं और मोटे हो जाएं। मम्मा कह रही है अब बड़े हो जाए पराठे बना के देंगी। हाँ जी सात अंडा, बहुत और से बातें सुनते हैं आप तो। ये जी किसकी बैग है? ये हैदर की है, कितनी प्यारी बैग है, वो लेट है इसमें, ये इस बेड पे लेटा ही नहीं है, नहीं बस एक या दो दफा लेकिन बस खेल के उठ, ये हमने बहुत लाडला रखा हुआ अपना बच्चा, लाडला बहुत ज्यादा नहीं, इसकी मामा बड़ी डैडी है, बड़ी सख्त है। इसमें आप इसको दूसरे रूम में लेके जाएंगी क्योंकि मैं ये मशीन चलाने लगी हूँ और ये रो पड़ता है इस मशीन की आवाज से। हाँ इसमें दूसरे रूम में लेके गई है क्योंकि मैं जब ये मशीन ऑन करती हूँ ना तो अमार बहुत रोता है इस मशीन की आवाज से, ब्लेंडर की आवाज से। चलिए
बहुत अच्छी होती है। हाँ मेरे ख्याल से पानी थोड़ा ज्यादा चला गया है, काफी ढीली सी हो गई है। स्पाइसेस मुझे पता नहीं कि स्पाइसी है या बारह हो गया। हाँ मैंने ग्रिल अभी किया। कब आएंगे वो? वो दो अढ़ाई अढ़ाई बजे। जो मेरी तैयारी थी ग्रिल की वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें यहाँ पे कुछ नजर आ रहा हो, ये देखिए ये जो बैंगन थे बिल्कुल ढीले ढीले हो चुके हैं, इनको हम कर देते हैं बंद। नहीं बंद नहीं करेंगे, इसको मैं इस पे रख दूंगी कि ये गर्म रहे, इस पे रख दूंगी ताकि ये गर्म रहे और बाकी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी ये है टिक्के, चिकन ब्रेस्ट के हैं ये टिक्के बोनलेस, और यहाँ पे हैं केबाब, नहीं सीख केबाब इसको कहते हैं, सीख केबाब, और यहाँ पे हैं चिकन लेग्स जो कि आपने देखा होगा मैंने जो है दरमियान से इनको काट दिया, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे हैं जी चिकन विंग्स, और बाहर अभी जो है ऑन हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर ग्रिल ऑन हो गया है मेरे हस्बैंड का। और यहाँ पे देखिए ये चटनियाँ भी पड़ी हुई हैं, ये मैंने एक दिन पहले बना दी थी, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है तुर्किश वाली चटनी सॉस, और यहाँ पे है सासी की, और यहाँ पे है पुदीने की चटनी, और सैलेड है, और ये है इसको क्या कहते हैं, और ये होते हैं जी इनको क्या कहते हैं तुर्किश वेस्टर्न कहते हैं वेस्टर्न, ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इसमें भी बहुत शौक से खाते हैं और मैं भी, तो हमने कहा कि हम पहले ये बनाते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें बनाएंगे तो ग्रिल बहुत गंदा हो जाएगा। वहाँ इसमें और अमार बैठे हुए हैं मेरा, हेलो हेलो इसमें को मैंने कहा था पहले आ जाए थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे, मैं हेड से प्यार से आ रही, यही सबसे बड़ी हेल्प है। और मेरा काम खत्म हो गया था, अभी काम है मेरे हस्बैंड का, सारा ग्रिल ये करेंगे। पापा बिल्कुल नहीं पसंद आते, स्पेशली जब मैं दूध पिलाए स्पेशली मैं।
नए तरीके का ये केक है, ब्राउनी विद कस्टर्ड एंड यम्मी स्ट्रॉबेरी। और हमारी होगी आज की सेलिब्रेशन कंप्लीट। चलती हूँ इंशाल्लाह। मुबारक हो आपको। मुबारक बहुत, शुक्रिया। इंशाल्लाह से फिर आएंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।